नमस्कार सभी को। कई बार हमने देखा है कि ट्रेडर्स जनरली एक पर्टिकुलर स्टॉक को शॉर्ट कर देते हैं जब वो न्यू हाई पे होता है। वहाँ पे अगर उनको लगता है कि न्यू हाई टच किया है तो शॉर्ट करो, लेकिन वो उस समय पे मार्केट का ट्रेंड ऑब्जर्व नहीं करते हैं, साथ ही वीकली चार्ट उस पर्टिकुलर स्टॉक का भी टेक्निकली एनालाइज नहीं करते हैं। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक को शॉर्ट करना है तो सबसे पहले मार्केट का डाउनवर्ड ट्रेंड है कि नहीं वो पर्टिकुलरली ऑब्जर्व कीजिए, साथ ही उस पर्टिकुलर स्टॉक का आप नीचे का डाउनवर्ड ट्रेंड कितना है उसका ट्रेडिंग रेंज को ऑब्जर्व कीजिए और उसके बाद शॉर्ट सेलिंग कीजिए। अगर आपने ऐसे ही शॉर्ट सेलिंग कर दिया और अगर मार्केट ने टर्न कर दिया अपवर्ड डायरेक्शन में और वो स्टॉक ने भी अपवर्ड डायरेक्शन में टर्न कर दिया तो आपका शॉर्ट सेलिंग जो है वो अल्टीमेटली आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर करना पड़ेगा और लॉस बुक करना पड़ेगा। साथ ही एक पर्टिकुलर स्टॉक को जब नीचे शॉर्ट करते हैं तो मोस्ट सेफ वे है एक मार्केट का ट्रेंड स्पॉट कीजिए वीकली चार्ट में, मंथली चार्ट में, और साथ ही एक पर्टिकुलर स्टॉक का, जिस पर्टिकुलर स्टॉक को आपको शॉर्ट करना है उस पर्टिकुलर स्टॉक का आप वीकली चार्ट एंड मंथली चार्ट दोनों टेक्निकली प्रॉपरली और स्पॉट कीजिए, एनालाइज कीजिए और उसके बाद ही शॉर्ट कीजिए। रिमेंबर, डोंट डिले, इन्वेस्ट टुडे।